गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल भी अपनी वीडियो के जरिए ओजेनेसिस तक अपनी प्रोसेस पूरी कर ली थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। कल के लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को स्टडी किया था और आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये साइक्लिक चेंजेस हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्राइमेट फीमेल्स जैसे मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं। इन साइक्लिक चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये प्यूबर्टी के बाद ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो जाता है मेनार्क, तो लगभग ये हर जो 28-29 डेज के बाद रिपीट होता रहता है साइकिल। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनार कंडीशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिड साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फोर फेजेस में जनरली स्टडी किया जाता है। फोर फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फर्स्ट होगा मेंस्ट्रुअल फेस, सेकंड होगा फॉलिक्यूलर फेस और प्रोलिफ्रेटिव फेस, तीसरा होगा ओव्यूलेटरी फेस और फोर्थ होगा ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेस। जो मेंस्ट्रुअल फेस है, इस फेस के साथ जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, फॉर 3-5 डेज। और इस दौरान जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूट्रस की है उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसके साथ जो ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होती हैं उनकी भी ब्रेकडाउन होती है, रप्चर हो जाती हैं वो भी, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सारा ब्रेक होके रिलीज होता है। फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद चलता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफ्रेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज जो है, इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवरी में वो ग्रो करना शुरू करेंगे और एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम यूट्रस का रीजनरेट होगा, दोबारा से सेल की प्रोलिफ्रेशन होगी। ये चेंजेस इसलिए होती हैं क्योंकि इस टाइम जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओवरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन, ये जो है इनका इंक्रीज्ड लेवल होता है इस फेज के दौरान। FSH फॉलिकुलर फेज को कंट्रोल करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और एस्ट्रोजन जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल्स में सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फॉर ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये भी FSH ही कंट्रोल करता है। FSH और LH दोनों अपने पीक लेवल पे होते हैं एट द मिडल ऑफ द साइकिल, लगभग 14th डे पे, और जब LH इस पीक लेवल पे होता है अबाउट द मिडल ऑफ द और मिड ऑफ द साइकिल, तो हम इसको एक स्पेशल टर्म देते हैं LH सर्च। और ये LH सर्च जो है, ये आपको क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि व्हाट डू यू मीन बाय LH सर्च। तीसरा फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज। जो पीक लेवल है LH का उसको LH सर्च कहते हैं। ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो उससे ओबम रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओबुलेशन और इस फेज को हम कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। जो ल्यूटियल फेज है, इस फेज में रप्चर्ड फॉलिकल जो हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉर्पस ल्यूटियम जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन एंडोमेट्रियम लेयर जो है यूट्रस की, उसको मेंटेन करने में काम में आता है। ये उसको मेंटेन रखता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम थिक होता रहता है और उसके साथ जो ग्लैंड्स हैं वो एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं यूट्रस में।
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये सिक्रीशन चली रहती है प्रोजेस्ट्रॉन की, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती मीन्स इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है विच कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जनरली फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है और इसको हम मेनोपॉज कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ओबम, जो भी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ ओबम भी। स्ट्रक्चर ऑफ ओबम में अगर हम देखें तो ओबम के में साइटोप्लाज्म ये दे रखा है आपको, न्यूक्लियस, और इसके बाहर जो है वो तीन लेयर आपको मिलेंगी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और जो बीच में स्पेस होता है वो पेरी प्री विटेलाइन स्पेस कहलाता है। ये आपके पास ओवम का एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, जो सीमन है वो वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है थ्रू फेनिस, और इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो सर्विक्स से मूव करते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं, और यूट्रस से फिर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो है, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमिक रीजन जो हैं दोनों मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पहुँच जाते हैं। ओवम जो कि ओवरी से रिलीज हुआ है वो भी इसी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होती है। अब एक स्पर्म जो है वो इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिडा, वो लेयर जोना पेलिसिडा के कॉन्टैक्ट में आएगा ओवम की, और इंड्यूस चेंजेस इन मेम्ब्रेन, जो सबसे पहले स्पर्म जोना पेलिसिडा तक पहुंच जाएगा वो उस मेम्ब्रेन में ऐसी चेंजेस कर देगा कि कोई दूसरा स्पर्म जो है फिर एंट्री ही ना कर पाए। अब जो साइट एग होता है हमारा वो सस्पेंडेड होता है अपना सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो जो एग है सेकेंडरी ओसाइट है उसकी जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है एक हैप्लॉयड ओटिड की और सेकेंड पोलर बॉडी की। अब न्यूक्लियस ऑफ ओटिड ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये स्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, यहाँ तक जाइगोट हो गया। फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में तीन स्टेप्स आते हैं आपके पास, वो आते हैं फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड मोरूला स्टेज एंड थर्ड ब्लास्टोसिस्ट। क्लीवेज जो जाइगोट बना वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब जाइगोट जो है वो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स में जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। जैसे ही ये इस्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब इससे जो नए सेल बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे इन माइटोटिक डिवीजन्स के बाद, उनको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स, दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। फिर बनता है मोरूला। अब जब जाइगोट में डिवीजन्स हो गई तो हमारे पास जो मास बना सेल का दैट इज़ एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो अगर 8 to 16 सेल्ड तक है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स अगर उसमें हैं तो हम उसको कहेंगे दैट इज़ मोरूला। और इस स्टेज पे एक सॉलिड स्फीयर की तरह नज़र आता है ये मोरूला स्टेज पे। फिर आती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, सेल डिवीज़न जो है वो कंटिन्यू रहती हैं मोरूला में भी,
ब्लास्टोमियर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं अलोंग द पेरीफेरी, और बीच में एक सेंट्रल कैविटी जिसको कि ब्लास्टोसील कहते हैं एम्ब्रियो में वो डेवलप हो जाती है, और इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को कहते हैं ब्लास्ट, हम ये कहते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो गई, यानी एम्ब्रियो विद अ सेंट्रल कैविटी ब्लास्टोसील इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। अब सेल अरेंज हो जाएंगे एक आउटर लेयर में जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल इनर सेल मास के रूप में। तो जो सारे सेल हैं वो दो उसमें अरेंज हो जाएंगे, एक इनर सेल मास और एक ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो न्यूट्रिशन देती है, और इनर सेल मास जो है वो आगे डिविजन्स करेगा। ट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्टिंग इनटू ब्लास्टोसील, ठीक है। इसके बाद इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन में क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाएगी, और फिर एंडोमेट्रियम जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगेगा, और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड धंसने लगेगी, जिसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होते ही वी यूज़ द वर्ड प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं वो अपीयर हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, एंड दे आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। कोरियोनिक विलाई और यूट्रिन टिश्यू जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड होगा और प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर देगा। अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा को फीटस के साथ कनेक्ट करेगी, और सबस्टांसिस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी, वो डेवलप हो जाएगी। प्लेसेंटा जनरली ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई को फैसिलिटेट करेगा फीटस तक। कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होंगे उनके रिमूवल में भी प्लेसेंटा हेल्प करेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि प्लेसेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, एक्सप्लेन। यस, एंडोक्राइन टिश्यू वो होता है जिससे कुछ रिलीज हो, तो हार्मोन रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से, इसलिए हम इसको एंडोक्राइन टिश्यू भी कहते हैं। प्लेसेंटा जो है वो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो तीन चार हार्मोन जो हैं वो जनरली रिलीज करता है, ओके। एंड लेवल जो है बाकी हार्मोन का, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन, ये भी सेवरल फोल्ड्स मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। तो इतना हम आज पढ़ लेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है अगली, वो हम अगले लेक्चर में अपनी स्टडी करेंगे, ओके बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।